उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को कंगन भेंट किए, साथ ही उमंग उड़ान कार्यक्रम में शामिल होकर पतंगबाजी भी की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मकर संक्रांति पर्व पर 14 जनवरी को वार्ड 36 एवं नानाखेड़ा छात्रावास के समीप की कॉलोनी की महिलाओं को कंगन भेंट कर मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए उनके परिवार में सुख समृद्धि की ईश्वर से कामना की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उत्सव भरा हो और हमारी संस्कृति त्याग की होने से सबके परिवार सुखमय जीवन यापन करे। आज से तिल तिल दिन बढ़ेगा, भाई बहनों का रिश्ता संबंध हमेशा बना रहे, यही कामना की। उन्होंने महिलाओं को कहा कि जिन परिवारों के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाते हैं, वे उनके नाम मुझे अवगत करा दे ताकि उनकी फीस भरने का इंतजाम किया जा सके। इसी तरह उन्होंने कहा कि जिनका मकान कच्चा है, वे पात्र परिवार भी अपना नाम उन्हें अवगत करा दे ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनवा सके। इस अवसर पर प्रभुलाल जाटवा, संतोष पोरवाल आदि उपस्थित थे। हम सबका सौभाग्य, हम धर्म की नगरी उज्जैन में है, जहाँ हमारे सारे तीज त्यौहार आनंद के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और वैसे तो भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान है, वो प्रत्येक त्यौहार प्रत्येक उत्सव में कोई ना कोई संस्कार छिपा हुआ है। आज के दिन संक्रांति से तिल तिल करके दिन बढ़ता है, प्रत्येक के दिन से जीवन में कष्ट मिटे, परेशानी हटे, उसके जीवन में सुख वैभव की वृद्धि हो, इसी भाव को जागृत करने के लिए और परस्पर भाईचारा बना रहे, एक दूसरे को लेकर चलते रहें, इस भाव से ये त्यौहार मनाते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हर वर्ष में हर त्यौहार ऐसे ही मनाता हूँ। मकर संक्रांति में कंगन भेंट बांट करके बहनों के बीच में जाने का मौका मिलता है। अभी अभी हमने जनसुनवाई के लगातार कार्यक्रम किए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हम और वो मिलकर के सरकार के साथ जो जो योजना है वो भी दें और आपस में एक दूसरे से भाईचारा बनाए।